हेलो बच्चों, चलिए आज हम काव्यांश चार देखें। हमने देखा कि जब परशुराम अपने बातों को बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, ना डींग हाँकते हैं, कि लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं होती और लक्ष्मण उनसे कुछ अपशब्द कह देते हैं और क्षमा भी मांग लेते हैं कि हम हमारे कुल खानदान में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हाथ नहीं उठाया जाता। मैंने तो अभिमान बस आपको कुछ कह दिया, कहने का मतलब तो यही रहा कि आप, मैंने जाना का बहुत बड़े वीर योद्धा हैं तो कुछ हमें वीरता के गुण सिखाएंगे, या आप बहुत बड़े ब्राह्मण हैं तो क्षमा की भावना सिखाएंगे, पर आप में कोई भी गुण नहीं है, ऐसा बेकार है, धनुष मान कुठारा धारण किए। उनकी इस बात को क्रोध से भरकर, लेकिन परशुराम गंभीर वचन में कौशिक से बोलते हैं। कौशिक विश्वामित्र का नाम है, कौशिक, तो कौशिक से कहते हैं क्योंकि वह तो राम लक्ष्मण कौशिक के साथ ही आए थे, विश्वामित्र के साथ आए थे, उनके गुरु शिष्य थे, इसलिए परशुराम ने कौशिक को ही इंगित किया। कहते हैं, कौशिक सुनहु मद येहु बालको, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बच्चा मंदबुद्धि का है, के पास लगता है कि दिमाग नहीं है, मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, यह कुटिल है, मतलब इसको मौत से डर नहीं लगता, यह कुल खानदान का विनाशक है। एक इतना नन्हा सा है और इतना बातें बोल रहा है, मुझे समझा रहा है, सिखा रहा है, ये तो कुल का विनाश कर देगा। कहते हैं, भानु वंश राकेश कलंक हो, यह भानु वंश, ये सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश के समान, ने चंद्रमा के समान कलंक फैलाने वाला है, चंद्रमा पर दाग होती है इसलिए उसको कहा जाता है कि वो कलंक से युक्त है। ये करके यह सूर्यवंशी नहीं है, ये सूर्यवंश के अनुपात कलंक बनकर निकला है, यह निपट है, मूर्ख है, निरंकुश है, अबुद्ध है, असंभु है, यह मूर्ख है, उदंड है, बुद्धिहीन है और दोषी है। अरे कि यह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, दंड है, असंभु मतलब निडर हुआ, यह निडर है, मूर्ख है, उदंड है, मतलब इसके अंदर हर अवगुण भरा हुआ है, इसलिए अपने कुल खानदान का विनाश कर देगा, हे विश्वामित्र समझा लो। कहते हैं, काल कौलो होनी छन मानी, मैं काल कौलो मतलब तुरंत, छन माही मतलब तुरंत ही मैं इसको मार डालूंगा, तुरंत काल के घाट उतार दूंगा, यानी कि इसको गला काट दूंगा, पल भर भी समय नहीं लगेगा, मैं इसको मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मुही नाही, खोरी मतलब दोस्त, अरे इसलिए मैं पुकार के सबसे कह रहा हूँ, कोई मुझे दोष मत देना, मैं पल भर इसको काट डालूंगा। यह इतना दुष्ट प्रवृत्ति है, उदंड है, निडर है, एक विद्या का है और इतना बढ़ चढ़ कर के बोल रहा, परशुराम से बर्दाश्त हो नहीं रहा था, इसलिए उनका क्रोध और भी धधक उठा था, वह भड़क उठे थे। और फिर विश्वामित्र से कहते हैं, तुम भट कहो जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। भट कहो मतलब रोकना, यदि तुम चाहते हो कि मैं इसे नहीं मारू तो तुम रोको, तुम इस लक्ष्मण को रोको और मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। तुम यदि लक्ष्मण को मारना नहीं देखना चाहते कि इसको इसका वध किया जाए तो उसको रोको, मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ कि मैं हूँ कैसा। अब इतना बढ़ चढ़ करके बोलना लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी तक अपने भाई का बीच बचाव कर रहे थे, अब गुरु को, उनके कारण गुरु को सुनना पड़ रहा था, अब लक्ष्मण फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके रहते उनके गुरु का कोई अपमान कैसे करेगा। वह कहते हैं, क्या लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। कह रहे हैं लक्ष्मण जो है फिर व्यंग करते हुए मुनि से कहते हैं, हे मुनि, आपका यश का वर्णन आपसे बढ़कर कौन कर सकता है, आप अपने यश का जो वर्णन
विश्वामित्र से करवाना चाहते हैं, गुरु जी से करवाना चाहते हैं, तो आपसे पढ़कर आपका आपके यश का वर्णन दूसरा कौन करेगा? अपनो मुंह तुम अपने करनी, बार अनेक भातु बहुबरनी। आपने तो अपने मुंह से अपने करनी, अपने कार्य को कई बार अनेक भाव में प्रकट कर दिया, क्योंकि अभी तक लक्ष्मण को वह फरसा दिखा करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कभी कह रहे हैं शस्त्र बाहु का समान काट देंगे, तो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ना जाने क्या क्या कह कह करके उनका अपमान भी करते हैं। लक्ष्मण सब बर्दाश्त कर रहे हैं और कहते हैं कि अभी भी कुछ बड़ाई करना बाकी रह गया है। आप अपने मुंह से अनेक बार अनेक तरह से अपनी बड़ाई कर चुके हैं, क्या अभी भी आपको संतोष नहीं है? नहीं संतोष होता कोनी कहो कछु कहो, नहीं संतोषी तो कोनी कहो कछु, जनी दिस रोगी दुसा दुख सहु। कह रहे हैं कि यदि इस पर आपको संतोष नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि आपकी और वीरगाथा हो, आपकी वीरगाथा को और आगे बढ़ाया जाए, और भी विख्यात किया जाए, क्योंकि प्रसिद्धि अपनी प्रसिद्धि वह अपने मुंह से बहुत बार कह चुके थे। उसी प्रलक्षण कहते हैं कि यदि और भी कुछ बचा है आपको अपनी वीरता का बखान करने में तो कह दीजिए ना, क्यों अपने क्रोध को रोक रहे हैं और दुख को सह रहे हैं, क्यों अंदर ही अंदर धक रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं आपको और भी कुछ बोलना, अपनी वीरता का बखान और भी करना है, तो कर डालिए ना, क्यों दुख को सह रहे हैं बताओ? एक छोटे से बच्चे इस तरह से जवाब बोलेगा तब तो किसी का भी क्रोध भड़क उठेगा। कहते हैं कि वीर बढ़ती तुम धीर अछोभा, गाड़ी दे तो पाओ पूर्ण शोभा। आप वीरवर्ती हैं, धैर्यवान हैं, शोभा रहित हैं, आपको गाली दे तो शोभा नहीं देती। आप जो ये अपशब्द का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं तो यह एक ऋषि को शोभा नहीं देती। आप जो गाली दे रहे हैं तो शोभा मान नहीं है, क्योंकि आप वीरवर्ती हैं, धैर्यवान हैं, शोभा रहित हैं, तो फिर आप अपशब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सूर समर करने कर कहीं ना जनाई आप, विद्वान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। मैंने तो सुना है, लखन कहते हैं उस राम को उपदेश देने लगते हैं, मैंने तो सुना है कि सूर समर करनी करनी, जो वीर योद्धा होते हैं वो समर मेरे की युद्ध भूमि में अपनी वीरता को प्रकट कर देते हैं, अपने विषय में बखान नहीं करते, वह तो बस अपनी वीरता को प्रकट करते हैं, धनुर्बाण उठाए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। विद्वान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु, कह रहे कि शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर जो अपनी वीरता का बखान करता है वह कायर होता है। समर भूमि में, युद्ध भूमि में वीर व्यक्ति वीरता प्रकट करता है और कायर व्यक्ति अपनी बखान करता है। तो आप क्या हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वीर है कि कायर है, पता नहीं आप क्या हैं, क्या आप इस तरह की उठपटांग बातें बोले जा रहे हैं? तो इस तरह की वचन किसी की भी क्रोध को भड़का सकता है। वह बर्दाश्त से बाहर हो गया लक्ष्मण जो है, वह इस तरह के वचन बोलेंगे उस राम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तो फिर हम अगले गद्यांश में देखेंगे, काव्यांश में देखेंगे कि कैसे उन्होंने फिर से लक्ष्मण को अपना निशाना बनाया और क्या कहा। धन्यवाद।